दुनिया में सबसे बड़ा कारण इंसान के डेथ का, दैट इज हार्ट डिजीज। आउट ऑफ एवरी 10 डेथ, 3 पीपल दे डाई ऑफ हार्ट डिजीज। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कारण इंसानी मौत का है कैंसर। दैट इज अबाउट 20% ऑफ द टोटल डेथ इज बिकॉज ऑफ कैंसर। एंड द थर्ड बिगेस्ट कॉज ऑफ ह्यूमन डेथ, दैट इज कॉल्ड एट्रोजेनेसिस। दैट इज अबाउट 15 to 20% ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर भारत की बात करें तो एट्रोजेनेसिस से जो मौत होती है, दैट इज अबाउट 25% to 30%। एट्रोजेनेसिस कोई बीमारी का नाम नहीं है, इसका सीधा मतलब है, सिंपल मतलब है, डॉक्टर की वजह से डेथ, हॉस्पिटल्स की वजह से डेथ, दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से डेथ। यानी कि 25% लोग जो आज दुनिया में नहीं है वो यहां होते अगर वो हॉस्पिटल अपने इलाज कराने नहीं जाते। तो सवाल ये कि क्या किया जाए, कैसे इस हॉस्पिटल डेथ से बचा जाए। वेरी सिंपल, डोंट गो टू हॉस्पिटल्स। कैसा रहेगा आइडिया कि आप अपना हॉस्पिटल अपने घर में खुद के लिए बना लें। आई कॉल इट हॉस्पिटल इन ए बॉक्स। मैंने यही किया, मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज माय हॉस्पिटल इन ए बॉक्स। इसमें करीब 26 ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त आपके किचन में ऑलरेडी हैं। बोलने का मतलब है कि आपको कहीं से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, दे आर ऑलरेडी देयर इन योर किचन, जिसकी मदद से आप दुनिया की सारी दवाइयां बना सकते हैं। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। यह है दवाइयों की लिस्ट, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का 9th एडिशन, और इसमें करीब जो लेटेस्ट दवाइयां हैं, सारी दवाइयां 2500 दवाइयों की लिस्ट है। 2500 से घबराइए मत, एक्चुअली 2500 तब होते हैं जब वो कॉम्बिनेशन ड्रग्स की भी बात करते हैं। ट्रुथ ये है कि FDA ने इस अभी तक अपनी एंटायर हिस्ट्री में सिर्फ 1500 के करीब दवाइयों को ही अप्रूवल दिया है। दैट इज अबाउट व्हाट वी कॉल इट न्यू मॉलिकुलर एंटिटीज, NMEs, राइट। सो दैट इज अबाउट 1500, उनमें से आधे ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। अब बैन होने की हिस्ट्री आपको समझना होगा, ओनली देन आप ये समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है। जब भी कोई दवा दुनिया में आती है तो पहले वो ह्यूमन ट्रायल से होके गुजर के जाती है। ह्यूमन ट्रायल में उसकी जो अवधि होती है एवरेज, दैट इज अबाउट 6 मंथ्स, और करीब 1000 के करीब वॉलंटियर्स होने जरूरी होते हैं। तो 6 महीने के ह्यूमन ट्रायल और 1000 के करीब वॉलंटियर्स में ये देखा जाता है कि ये दवा इंसान के लिए ठीक है कि नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट FDA अप्रूव्स दैट मेडिसिन, और फिर वो मेडिसिन मार्केट में आती है। सच्चाई ये है कि मेडिसिन का जो एडवर्स रिएक्शन है, एडवर्स रिएक्शन का मतलब कि मेडिसिन जिस बीमारी के लिए ली जा रही है उससे भी ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एडवर्स रिएक्शन। सो दुनिया का वर्ल्ड एवरेज है कि दवा अगर आज आपने लिया तो उसका एडवर्स रिएक्शन ऑन एवरेज 4 साल 2 महीने में पता चलता है कि इस दवा का एडवर्स रिएक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पायोग्लिटाजोन आप ले रहे हैं डायबिटीज के लिए, और 4 साल बाद दैट में लीड टू ब्लैडर कैंसर। तो जो ब्रैकेट है, जो टाइम फ्रेम है, दैट इज अबाउट टाइम लाइन है, दैट इज अबाउट 4 years and 2 months, जबकि अप्रूवल के लिए जरूरत होती है ओनली 6 मंथ्स। सो नॉर्मली वो दवा किस तरह से इंसान को नुकसान पहुंचाएगी वो उसके लॉन्च होने के कुछ साल बाद ही पता चलता है। और एक बार पता चल जाए तो FDA का जो प्रोसीजर है उसको बैन करने का, वो करीब 10 साल का होता है, कभी वो 8 साल का होता है, कभी वो 16 साल का भी होता है। तो एक दवा की जो जर्नी है लॉन्च होने से लेकर बैन होने तक की, वो करीब ऑन एवरेज 18 साल की होती है या 20 साल की होती है। और ये मैं बात कर रहा हूँ डेवलप कंट्री की। मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूँ एक दवा जो दुनिया का 10th most popular दवा है इस वक्त कुछ देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में, दैट इज पायोग्लिटाजोन। 1999 में मार्केट में आया, अप्रूवल मिला। 2007 में पता चला कि इस दवा की वजह से ब्लैडर कैंसर होता है। FDA ने पड़ताल शुरू की। 2011 में जर्मनी, फ्रांस समेत कई सारे देशों में बैन हो गया। 2013 में 18 जून को भारत में बैन हुआ। लेकिन भारत की जो मेडिकल लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि 31 जुलाई एक महीने के अंदर ही बैन को फोर्सफुली गवर्नमेंट को हटाना पड़ा, लिफ्ट करना पड़ा। और आज भी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, करीब 30 लाख लोग पायोग्लिटाजोन ले रहे हैं इंडिया के डायबिटीज से बचने के लिए, जो कि कुछ ही समय में ब्लैडर कैंसर से मरने जा रहे हैं। ये जो साइड इफेक्ट की दुनिया है, इसको समझना बहुत जरूरी है अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं। इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए। 2 सवाल हैं, साइड इफेक्ट दवाइयों से क्यों होता है और इतना ज्यादा डेंजरस कि वो जिस बीमारी के लिए आप वो दवा ले रहे हैं उससे कई गुना खतरनाक ज्यादा वो उसका साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट क्यों होता है, और दूसरा इससे कैसे बचें। मैं एक उदाहरण लेता हूं, द मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड, 1899 में ये लॉन्च किया गया, और सबसे ज्यादा दुनिया में बिकने वाली दवा, दैट इज कॉल्ड एस्प्रिन।
हार्ट का पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, डायबिटीज का पेशेंट हो, कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहा हो, यूं ही डॉक्टर मुफ्त में दवा लिख देते हैं इस उम्मीद से कि ये ब्लड को थिन करेगा और एक्सपेक्टेड या फोर्थकमिंग हार्ट अटैक से बचाएगा। इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज कॉल्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और उसका मोड ऑफ एक्शन है, उसका केमिकल पाथवे है, वो ब्लड को थिन करता है। यानी कि हार्ट अटैक होने से पहले वो क्लॉटिंग होती है, उस क्लॉटिंग से आप बच सकते हैं और आपकी हार्ट अटैक एक्सपेक्टेडली ये दवा रोक सकता है। इसी उम्मीद से अनगिनत लोग रोज इसको खाते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं। जबकि अगर FDA की गवर्नमेंट की साइट देखें तो उसमें क्लियरली लिखा है इसके साइड इफेक्ट स्टमक पेन, स्टमक डिस्कम्फर्ट, अल्सर, कैंसर, या इसके अलावा डायबिटीज, इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दीज आर ऑल नोन लिस्टेड साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन। एक तरफ तो ये आपको हार्ट की डिजीज या हार्ट डिजीज से जो हार्ट अटैक है या ब्रेन स्ट्रोक उससे बचाता है, दूसरा इट मे लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्रेन हेमरेज एक्सेट्रा। सो प्रिवेंटिव है, लेकिन कई सारे और बीमारी भी लेके आ रहा है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है दैट इज सिंथेटिकली मेड, केमिकली मेड। तो हमें क्या करना है, इसके बेनिफिट को साथ में रखते हुए साइड इफेक्ट को हटाना है। उसके लिए क्या करना है, इसका नेचुरल ऑल्टरनेट ढूंढना है। ऑल्टरनेट इस वक्त आपके किचन में ऑलरेडी है, मैं आपको बताता हूं। अदरक, जिंजर, टर्मरिक, हल्दी और ये लहसुन। इसमें अदरक में जिंजरोल या लहसुन में एलेसिन या फिर टर्मरिक में करक्यूमिन, ये तीनों जब मिलते हैं तो इनका केमिकल पाथवे वही वाला बन जाता है जो कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का है, और ये ब्लड को उसी तरह से थिन करता है, बट कंडीशनल थिनिंग, मतलब ब्लॉकेज से पहले, हार्ट अटैक से पहले, तब कंडीशनल थिनिंग, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए नेचुरल जो ऑल्टरनेट है इसका साइड इफेक्ट ना होकर साइड बेनिफिट है। यानी कि ना केवल ये आपको राइट टाइम पर ब्लड को थिन करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा हार्ट अटैक से, एक्सपेक्टेड हार्ट अटैक से, एक्सपेक्टेड ब्रेन स्ट्रोक से, आने वाले ब्रेन स्ट्रोक से, फोर्थकमिंग ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक से, बल्कि इट विल हेल्प इन क्योरिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इन क्योरिंग डायबिटीज, इन क्योरिंग एनी काइंड ऑफ ट्यूमर अल्सर इन द स्टमक, इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी, इन क्योरिंग लंग इन्फेक्शन। सो ये इसके साइड इफेक्ट की जगह साइड बेनिफिट है। इसको पूरी तरह समझना अगर है तो उसके लिए मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि आपके शहर में सेफ ड्राइविंग स्पीड क्या है, आप बोलेंगे लेट्स से 40 किलोमीटर पर आवर। मैं अपनी गाड़ी में कुछ ऐसी सेटिंग करता हूं कि जब भी मेरी गाड़ी चले वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चले, ना ज्यादा तेज ना कम। कैन आई कॉल इट अ सेफ ड्राइविंग स्पीड? इट कैन बी हाईली डेंजरस, ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर हर पल आप देखते हैं, आउटसाइड फीडबैक लेते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपने स्पीड को लगातार बदलते रहते हैं। कई बार जब आप ओवरटेक करते हैं किसी और गाड़ी को तब 100 किलोमीटर पर आर भी सेफ ड्राइविंग स्पीड बोला जा सकता है, दैट इज कंडीशनल। सो दैट्स व्हाट इज व्हाट आई कॉल एज इंटेलिजेंट न्यूट्रिशन, दैट्स व्हाट इज द नेचुरल थिंग कैन डू, जो कि सिंथेटिक चीज नहीं कर सकती है। इस बात को समझना अगर है, साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करना हो, तो गुंटूर ग्लोबल का 1999 नोबेल प्राइज विनिंग साइंस पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। और ये आर्टिफिशियल काउंटर पार्ट दैट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया गया, वो ये वाला काम क्यों नहीं कर सकता, इसको अगर समझना है तो आप पढ़िए नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1982 जॉन वेन, तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मतलब ठीक इसी तरह से ब्लड प्रेशर की दवा की बात करें, डायबिटीज की दवा की बात करें, फीवर की बात करें, हेडेक की बात करें, स्टमक की बात करें, कैंसर की बात करें, सारी ये दवाइयों के आप नेचुरल ऑल्टरनेटिव अपने घर में अपने किचन के सामान से इसी वक्त बना सकते हैं। एंड यू कैन क्रिएट योर ओन हॉस्पिटल इन ए बॉक्स एज आई हैव क्रिएटेड लाइक दिस। सो व्हाई यू आर डूइंग इट, बिकॉज रिमेंबर हॉस्पिटल कॉजेज अबाउट 1/4 of the death and you can protect yourself from that death. यहां तक कि देखा गया है that mortality rate drops when the doctors go on strike. जब भी पूरे दुनिया भर में डॉक्टर स्ट्राइक पे जाते हैं वहां की मोर्टिलिटी रेट घट जाती है, मृत्यु दर घट जाती है, और जब डॉक्टर्स वापस स्ट्राइक से आते हैं तो मृत्यु दर वापस वहीं चली जाती है जहां पे वो थी। और ये कोई मेरी पर्सनल फाइंडिंग नहीं है, मेरी पर्सनल राय नहीं है, ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड ट्रूथ है। अगर आपको जानना है तो आप पढ़िए मेरी किताब हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें, इंग्लिश में है हाउ टू रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल अलाइव, एंड यू विल अंडरस्टैंड
दैट गोइंग टू द हॉस्पिटल कैन बी रियली डेंजरस। ये किताब अगर आपको पढ़नी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। साथ में लिख दीजिए कौन सी भाषा में पढ़ना चाहते हैं। आई विल बी हैप्पी टू सेंड यू अ फ्री ई बुक सो दैट यू अंडरस्टैंड। यू विल बी शॉक्ड टू सी द डेटा इनसाइड इट। एनीवे, इसीलिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, यू बी योर ओन डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर बने। आप सोच रहे होंगे एक डॉक्टर बनने के लिए तो 7 साल की पढ़ाई की जरूरत होती है, वो एकदम से हम कैसे बन सकते हैं। 7 साल की पढ़ाई जरूरत होती है, उसमें हजारों बीमारियां के बीमारियों के बारे में बताया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए हजारों बीमारियां नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10th एडिशन देखें तो टोटल नंबर ऑफ डिजीज जो लिस्टेड हैं जिससे इंसान अब तक बीमार पड़ सकता है या पड़ चुका है वो है करीब 8,000। मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, उन 8,000 बीमारियों के नाम, उनके केमिकल एक्शंस, उनके कॉजेज, उनके ड्रग्स, उनके डोसेज, उनको रट्टा मार मार के अपना ब्रेन वॉश करते हैं। एक्चुअली चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स टेक हार्ट, मेडिकल कंडीशन हार्ट लेते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियोमायोपैथी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आप सोच रहे होंगे कि मैं अलग अलग बीमारियों के नाम ले रहा हूँ, एक्चुअली ये सारे एक ही बीमारी है। हार्ट के नजदीक के ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाना जिससे ब्लड का ऑक्सीजन का फ्लो में कमी आना, दैट्स ऑल सिंपल। ठीक इसी तरह से कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इस्कीमिक हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफेक्शन। आप सोच रहे होंगे कि मैं अलग अलग बीमारियों के नाम ले रहा हूं, लेकिन यह सारा एक ही चीज है। हार्ट के मसल्स के मरने से हार्ट का काम करना रुक जाना, बंद हो जाना, दैट्स ऑल। जब कोई डॉक्टर अगर आपको कंफ्यूज करना चाहता है तो और बड़े वर्ड यूज कर सकता है, कार्डियक कैकोक्सिया या फिर हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। एक इंसान जिसको हार्ट अटैक नहीं भी आया हो, यह पेशेंट नाम सुन के हार्ट अटैक आ सकता है। मतलब कंफ्यूज करने की सारे तरीके हैं। एक्चुअली अगर सिंपल भाषा में अगर समझें, कोई भी इंसान सिर्फ 5 तरीके से बीमार पड़ता है। पहला, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि बॉडी के अंदर घाव हो जाना, छोटे छोटे घाव, arthritis, pancreatitis, gastritis, otitis. So these are all the same thing. ये एक ही बीमारी है, घाव, लेकिन किस organ में हुआ, कितना बड़ा हुआ, उसके हिसाब से नाम बदल जाते हैं। इनका जो mode of action है, इनका chemical pathway है, they are same. इनका cure भी same है, cause भी same है, लेकिन इनके हजारों नाम। दूसरे तरह से इंसान बीमार पड़ सकता है, blockage. Blockage कहाँ पे? Heart में heart blockage, kidney तो kidney dysfunction, liver तो liver failure, ब्रेन है तो ब्रेन की डिजीज। ब्लॉकेज का जो कारण है, ब्लॉकेज का जो अगर उसके अंदर जो मटेरियल है, वो सारा हर जगह सेम है, उनका क्योर का मेथड भी सेम है, बट नाम हजार। तीसरे तरह से इंसान बीमार पड़ सकता है, जिसे हम बोलते हैं आउटग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ, लेकिन इसके हजारों नाम है, ट्यूमर है, फेब्रॉयड है, पॉलिप्स है, सिस्ट है, सार्कोमा है, कैंसर है। अब कैंसर के भी हजारों नाम, 100 तरह के कैंसर होते हैं, उनके अलग अलग सब डिविजन, लेकिन एक कैटेगरी है आउटग्रोथ, उसका केमिकल मैकेनिज्म बिल्कुल सेम, उसका क्योर भी बिल्कुल सेम। चौथा तरीका, हार्मोनल इंबैलेंस, डायबिटीज है, डिप्रेशन है, थायराइड डिजीज है, हार्मोनल इंबैलेंस। पांचवा तरीके से इंसान बीमार पड़ सकता है, आउटसाइड अटैक, जब कोई जख्म हो जाता है, चोट लगती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर आउटसाइड अटैक, अंदर आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन घुस जाते हैं, जब वो घुसते हैं तो अंदर जो डैमेज करते हैं वो भी सेम होते हैं, इन्फ्लेमेटरी डैमेज या फिर ब्लॉकेजेस। सो बोलने का मतलब यह है कि बीमारियां सिर्फ 5 तरह से होती हैं, तो उसकी इलाज बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। बस ये 26 चीजें जो कि आपके घर में ऑलरेडी हैं इस वक्त, उन्हीं चीजों को आप दवा बना सकते हैं। जिस तरह से इंग्लिश के 26 अल्फाबेट से आप हजारों वर्ड बना सकते हैं, या हिंदी के 46 वर्णमाला से आप हजारों शब्द बना सकते हैं, ठीक उसी तरह से ये 26 चीजें हैं, और इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से यू कैन मेक योर हॉस्पिटल एट होम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट होम। उसके लिए 7 साल मेडिकल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ 7 से 9 घंटे के लिए मेडिकल कॉलेज में जाने की जरूरत है। मैं आपको इनवाइट करता हूं संत हृदय राम मेडिकल कॉलेज भोपाल में 21 जून, 22 जून, 23 जून, हर दिन लगभग 2 से 3 घंटा, कुल मिला के 7 से 9 घंटे आप मेरे साथ रहेंगे, और मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन बिकम योर ओन डॉक्टर, आप अपना डॉक्टर कैसे बने।
और अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्रीन पे दिए हुए जो ईमेल आईडी है, जो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे अपनी कन्फर्मेशन भेजनी है। इसकी फीस कितनी है? अगर ये वाला ट्रेनिंग जब मैं मलेशिया में करता हूँ, ये वाला ट्रेनिंग जब मैं वियतनाम में करता हूँ, स्विट्जरलैंड में करता हूँ, यूके में करता हूँ, तब इसकी फीस लगभग होती है 25 से 30 हज़ार रुपये इक्वलेंट, राइट। लेकिन यहाँ पे आपके लिए फीस है शून्य, जीरो। ये मेडिकल कॉलेज ने इनिशिएटिव लिया है इंटरनेशनल योगा डे में सारा कुछ स्पॉन्सर करने के लिए आपके लिए पहली बार, सिर्फ आपको पहुंचना है। सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें या फिर मुझे ईमेल करें, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन और किस शहर से आ रहे हैं, कौन सा आपका एड्रेस है, उसके साथ हमारे ऑफिस से आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा और आपको मैं मिलूंगा 21 तारीख को स्क्रीन पे दिए हुए एड्रेस में 10 बजे। 10 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, सुबह 10 बजे से, और वो 3 दिन चलेगा। और 3 दिन में जो पहला दिन है दैट इज फोकस टूवर्ड्स डायग्नोसिस, लाइफस्टाइल डायग्नोसिस। डायग्नोस कैसे करें? हार्ट डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इन सारे चीजों को हम घर पे बैठे कैसे डायग्नोस करें, मेडिसिन के साइड इफेक्ट से कैसे बचें। सो दैट इज द फर्स्ट डे। सेकेंड डे जो ट्रेनिंग होगी, सेकेंड डे की ट्रेनिंग में फूड एज मेडिसिन, हाउ द फूड रिएक्ट विद द बॉडी टू क्रिएट अ मेडिसिन, राइट, द साइंस ऑफ फूड, सो उस पर हम फोकस रखेंगे। थर्ड डे हाउ टू क्रिएट अवर ओन मेडिसिन, हॉस्पिटल इन ए बॉक्स हम कैसे बनाएं, इमरजेंसी सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें। सो ये जो 3 दिन है, ये 3 दिन की जो ट्रेनिंग है दैट विल हेल्प नॉट ओनली यू टू गेट फ्री योर सेल्फ ऑफ ड्रग्स, फ्री योर सेल्फ ऑफ डिजीज एंड फ्री योर सेल्फ ऑफ डॉक्टर्स एज वेल, बट ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू टेक केयर ऑफ द पीपल होम यू लव सो मच। आप ना केवल अपनी मदद कर पाएंगे इस नॉलेज से, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर पाएंगे, अपने फैमिली मेंबर की मदद कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी वो बीमार पड़ेंगे आप उनके डॉक्टर बन जाएंगे, आपका घर आपका हॉस्पिटल बन जाएगा और ये आपका किचन आपका फार्मेसी बन जाएगी। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इसमें जो फार्मेसी होगी उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ, ये सारा कुछ आपके किचन में ऑलरेडी है, लेकिन आप अभी तक यूज करते थे उसको एज ए फूड, अब यूज करेंगे एज ए फूड एज ए मेडिसिन। सो मैं आपको मिलूंगा 21 तारीख को भोपाल में सुबह 10 बजे इस दिए हुए पते में। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।